हेलो गाइस, तो आपका भाई एक बार फिर आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया है जो कि इसमें संपूर्ण जानकारी है केदारनाथ जाने वालों के लिए। अगर आप केदारनाथ जा रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें क्योंकि इसमें हमने आपको कंप्लीट गाइडलाइन बताई है। अगर आप केदारनाथ जाएँ तो क्या क्या लेकर जाएँ और क्या क्या वहाँ पर किस हिसाब से अपना बैग को पैक करें। तो गाइस, इस वीडियो में आप देखिए, आपको सारी जानकारी सब कुछ दिखाया गया है। सबसे पहले आपको ट्रैकिंग बैग की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आप ले जा सकते हैं बहुत ही अच्छा रेन कवर के साथ, और एक मिनी बैग जो आपको मदद करेगा ट्रैक के लिए, और साइडर पर्स होना ज़रूरी है क्योंकि साइडर पर्स में आप कुछ भी ज़रूरी चीज़ें उसमें रख सकते हैं। और अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं तो आपको ट्रैकिंग स्टिक की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और साथ ही साथ कपूर ले जाना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाता है, कपूर का सहारा लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पर कभी भी रेन बारिश हो सकती है तो रेनकोट ज़रूर ले जाएं। आप फ्रेंडों के साथ सेल्फी ज़रूर खरीदें क्योंकि आप पीछे से आपको रास्ते में एक से एक सीन देखने को मिलेगी। पानी की बोतल भी ले जाना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही आप कोई भी एनर्जी ड्रिंक लाइक ग्लूकोन डी वगैरह ले जा सकते हैं क्योंकि पानी में मिला के पियेंगे तो आपको एनर्जी बनी रहेगी। ऊपर बहुत ही ज़्यादा मौसम ठंडा होता है इसलिए आपको एक जैकेट, मफलर, कैप्स वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप ये सब चीज़ें ज़रूर ले जाएं। आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी अपने बैग में रखना चाहिए, और कुछ बिस्किट्स वगैरह ले लें क्योंकि ऊपर आपको चीज़ें बहुत महंगी मिलेंगी। अगर आप दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो आप कैंपिंग ले जा सकते हैं क्योंकि वहाँ कैंपिंग करने की सुविधा बहुत है, और साथ ही अपना एक शॉल ले जाएँ बड़ा सा जो आपको बहुत ज़रूरत हो पड़ेगी, और शूज़ का कवर ख़रीद सकते हैं क्योंकि वहाँ पर रास्ते में गोबर्स वगैरह आपको बहुत मिलेंगे इसलिए शूज़ का कवर, और एक चाहे तो आप एक टॉर्च भी ले जा सकते हैं। और लेकिन अगर आप केदारनाथ का प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करा कर जाएँ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उसमें जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और आप शूज़ अच्छा सा ट्रैकिंग शूज़ लेकर जाएँ जो कि आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप हेलीकॉप्टर की सुविधा चाहते हैं तो आप ऑनलाइन पहले से ही हेलीकॉप्टर बुक करके जाएं क्योंकि वहां पर आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा मिलेगी तो बुक करने के, लेकिन आपको बहुत लंबी लाइन का सामना करना पड़ेगा, इसलिए पहले से ही आप बुक करके जाएं। जय श्री केदारनाथ।